यहाँ वाइब्रेशन अब फील है, होने चाहिए ना। हाय एवरीवन, फर्स्ट टाइम ड्राइविंग टाटा टियागो, मेरे चैनल पे भी पहली बार है। टाटा की ये गाड़ी पहले है, नेक्सोन आ चुकी है और अल्ट्रोज आ चुकी है। टियागो का एक्सजेड प्लस वेरिएंट है और ऐसी की आती है गाड़ी की, ठीक है। इसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन का फीचर आता है, प्लस अगर आपको लाइट्स अगर ऑन करनी है, ठीक है, तो फॉलो मी होम ही से कह सकते हो। और अगर इसे अनलॉक मैं करता हूँ तो ऑटो फोल्ड एंड अनफोल्ड का फीचर इस गाड़ी में आता है। एक्सजेड प्लस वेरिएंट है, गाड़ी का जो ओनर है उनके अंदर बैठे हैं और उनसे भी बातें करेंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है मैं मेन शेयर करने वाला हूँ। तो ये है दीपांशु, गुड़गांव से ही है। कैसे हो दीपांशु? बढ़िया सर। तो इनकी गाड़ी का आज एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मैंने इन सबको बताया कि मतलब टियागो मैंने पहले कभी नहीं चलाई, ये स्विफ्ट के सेगमेंट की गाड़ी है। तो सबसे पहला इंप्रेशन, जैसे मैं जब दीपांशु गाड़ी लेकर आए तो मैं उस साइड बैठा था, और जब मैं उस साइड बैठता हूँ, इज़ ऑलरेडी 6 feet और मैं 5'10" हूँ, तो ऑलरेडी इतना लग रहा था कि मैं सबसे ऊंची हाइट की सीट पे बैठा हूँ। ये सीट की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर ये अब बाहर निकलेंगे ना तो इनको शायद थोड़ी दिक्कत होगी, है कि ना सर, टकराने की, ठीक है थोड़ी सी है। ये वाली सीट ठीक है, जो लेवल है अभी एकदम नीचे सेट है। चलो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कब ली थी दीपांशु ये? ली थी मैंने अभी धनतेरस पे, 2nd November। हाँ। 2nd November को, और लगभग आइडल पे तो इतनी आवाज़ नहीं है वैसे। ओ टाटा की यार एक खासियत तो है, स्टेयरिंग बहुत लाइट है। अल्ट्रोज का मैंने देखा है, इसका देखा है, पंच का ठीक है लेकिन इसका स्मूथ है। और ये लगभग चला चुके हैं 1366 किलोमीटर्स। गियर स्मूथ लग रहे हैं मुझे, बढ़िया स्मूथ है। बाकी मैं चला के देख लेता हूँ थोड़ा। बस हाँ, एक थोड़ी सी अजीब चीज़ ये लगी, जो इसके ये ABC पेडल्स है, थोड़ा सा आगे हैं थोड़ा सा ऊपर है ना। आप कर सकते हैं नहीं, स्टेयरिंग की नहीं कह रहा हूँ, ABC पे, ये आपके एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच थोड़ा सा आगे भी है और ऊपर भी है, ये चीज थोड़ी सी वो लगी। गियर तो स्मूथ है भाई, स्टेयरिंग का तो क्या ही कहना, बहुत और अच्छा अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। बस रेस में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैंने ऐसा नहीं देखा किसी और गाड़ी में। रेस में मेरे को एक्चुअली है ना थोड़ा ऊपर हाइट भी है यार इसके लीवर की। क्लच तो स्मूथ है भाई, बहुत अच्छी है, साउंड है गाड़ी में। अगर इसका कॉम्पिटिटर जो स्विफ्ट है उससे कंपेयर करो तो इसकी आवाज है ज्यादा है, ये तो आप खुद भी बोलते हो ना, नॉइज की। नॉइज की तो है। हाँ भाई, ज़्यादा नहीं होगा अगर मैं ये बोल दूँ ना, इतनी सॉफ्ट क्लच की गाड़ी में पहली बार चला रहा हूँ, तो है ये चीज़ है, बहुत सॉफ्ट है क्लच गाड़ी की। और जैसे बम्प के ऊपर से गए तो सस्पेंशन गाड़ी का मुझे अच्छा लगा, क्योंकि गाड़ी अगर इतनी स्पीड में मैं अगर जैसे अपनी निकालूँ ना तो थोड़ी सी उछलेगी, लेकिन इसने वो झेल लिया था। सेकेंड में थोड़ी सी दबती है, सेकेंड गियर में अगर मान लो इतनी स्पीड में मैंने उठाई है। गियर शिफ्ट करने की वो वाली क्लिक क्लिक की आवाज है, बाकी नहीं है। सस्पेंशन सच में अच्छे हैं, ये कुछ सामान है उसकी आवाज है, बाकी गाड़ी की आवाज नहीं है। पर वो है जैसे 1.2 लीटर है ना, और अगर जैसे स्विफ्ट की बात कर लें तो अगर मैं जैसे मैंने गियर डाउन करके अगर ओवरटेक किया ना सेकंड में, तो उसका हल्का से पिकअप तेज है, लेकिन उसका फैक्ट भी आपको पता है किस वजह से, इसकी भाई बिल्ड जिसके मामले में ये भाई सबसे आगे, टाटा की सारी गाड़ियां तो बिल्ड के मामले में तो नंबर एक है, तो मैं तो फर्स्ट में उठाऊंगा। हालांकि इन गाड़ियों में बोनट वैसे भी नहीं दिखेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ। 7 lakh की पड़ी है आपको? हाँ, 7 lakh। ड्राइविंग में जैसे क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेयरिंग का मैंने बता दिया, मैं एक बार यहाँ पे गाड़ी घुमा लेता हूँ। स्टेयरिंग बहुत लाइट है, लेकिन अच्छा जैसे ऐसे बताओ मुझे, हाई स्पीड पे अगर जाओगे तो? हाई स्पीड पे 80 पे स्पीड लिमिट दिखा देता है। नहीं नहीं, जैसे तो स्टेयरिंग इतना ही हल्का रहता है क्या, थोड़ा टाइट हो जाता है। एक सेकंड, मैं गियर का मैंने कुछ फील करा है, वो मैं एक बार जब मैं आ रहा था ना तो बहुत मस्त, इसका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे मैंने क्लच दबाई, गियर पे हाथ है, यहाँ वाइब्रेशन अब फील है। एक बार आपने करें कभी? ये इसमें गियर में है, है ना, स्टिक नहीं हिल रही है, पर जो में आपको दिखेगा तो। हाँ, जब आप रेस देके क्लच छोड़ोगे ना तब महसूस होगा, स्टिक हल्की सी हिलेगी, मतलब वो
कंपन नहीं है, स्टिक ऐसी हिल रही है वो नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड फर्स्ट से सेकंड में है, सेकंड से थर्ड में मैं देख लेता हूँ, नहीं सेकंड से थर्ड में वो नहीं है, वो खाली फर्स्ट टू सेकंड गियर के अंदर है। हाँ सीटिंग का मैंने बता दिया, बहुत अच्छी है, थोड़ा हाइट पे है, वो वाली सीट की ज्यादा है, और ऑटो फोल्ड, एक सेकंड, ऐसा लगा जैसे आगे से कूदी जब कुछ आवाज आई हो। ठीक है भजी, इतना आवाज करती ना कई बार, उतना नहीं भागती ना, नहीं है ना। आपको वैसे भी अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि हाँ मुझे ये चीज बताने, वो बता सकते हो, जरूरी नहीं मैं पूछूं वही। फीडबैक मेरा तो गुड स्टीयरिंग का लगता है, बहुत लाइट मक्खन है, मक्खन है एकदम, बहुत बढ़िया सच में। बाकी राइड क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है। चलो वो तो थोड़ा देखूंगा अभी मैं, बस एक तो लगता है कि इसमें नॉइज थोड़ी ज्यादा मेरे को, है ना, म्यूजिक ऑन करके रखना पड़ता है। सही है, मतलब हर चीज नहीं मिलती, कोई ना बिल्ड आपको मिल गई, टाटा की बिल्ड क्वालिटी मिल गई, उसके अलावा सबसे अच्छी चीज बता दो भाई मुझे कि बिल्ड भी है इसका, म्यूजिक सिस्टम अच्छा, बहुत बढ़िया, इनबिल्ट वैसे बताओ, जैसे म्यूजिक, हाँ जैसे म्यूजिक तो कोई लगवा भी लेगा, वैसी कोई चीज जैसे भाई सस्पेंशन हो गया और बाकी कोई चीज की, हाँ इस गाड़ी की अच्छी है जो कॉम्पिटिटिव, हाँ सस्पेंशन बढ़िया, नो डाउट बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, राइड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अब देखेंगे तो जैसे थर्ड में उठाऊंगा ना तो गियर स्टिक में फिर वो वापस वही वाइब्रेशन फील होते हैं। सबसे बेस्ट तो स्टेयरिंग है, ठीक है, सबसे बेस्ट है, और नॉइज इतनी ज्यादा नहीं है यार, देखो ठीक है, हाँ चलती है, हाँ इतनी नहीं है कि चुभेगी कानों को, वैसी कोई बात नहीं है, इतनी तो नॉर्मल रहती है। दीपांशु टियागो लेने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या मिला आपको, और किसकी पसंद थी गाड़ी? ये मेरे फादर की पसंद थी। अच्छा ओके, और कुछ और ऑप्शन थे, किसी ने कुछ गाड़ी सजेस्ट करी हो, या भाई आप आजकल की जनरेशन हो, आपको कोई और गाड़ी पसंद आई हो कि नहीं पापा ये लेंगे, ऐसा कुछ था? नहीं, टियागो एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद थी, एक्चुअली टियागो तो अगर हम पिछले साल ही ले लेते हैं। अच्छा, क्विड पहले पापा को पसंद थी क्योंकि पापा को कॉम्पैक्ट पसंद है, थोड़ी कॉम्पैक्ट ना। अच्छा, छोटी गाड़ी सिटी ट्रैफिक में चलाते होंगे। अच्छा, फिर एक तो पहले क्विड आ जाती, लेकिन क्विड थोड़ी ना, उसका लुक अच्छा है बट उसमें ना गाड़ी में जाना ना बिल्ड क्वालिटी, साउंड भी काफी करती है। हाँ, इसीलिए पापा ने, मैंने सजेस्ट किया था कि टियागो ही लेते, फिर टियागो देख के है ना, तो फिर प्लान बन ही गया इनका। हाँ, सबसे बढ़िया फीचर क्या लगता है, फीचर कॉस्मेटिक कोई चीज की, हाँ ये चीज अच्छी है इसके बारे में? अच्छा, ये चीज अच्छी लगती है, और इसका म्यूजिक सिस्टम सेम है, बहुत बढ़िया, 4 ट्विटर और 4 स्पीकर है, 4 ट्विटर 4 स्पीकर है। हाँ ओके, मुझे जैसे इस बजट में ऑटो फोल्डिंग, ये ORVM आपके अच्छे फीचर लगा, पुश बटन का फीचर है, ठीक है, ये चीज अच्छी लगी मुझे इसके बारे में। एक्चुअली जो नॉर्मल टियागो आती है ना, जो ये एक स्पेसिफिक लिमिटेड एडिशन है, आप प्रॉपर मुझे एक बार गाड़ी का वेरिएंट बता दो कितना है। NRG है। ओके, टियागो NRG जो अभी लॉन्च हुई है हाल ही में, ये 4th of August 2021 टू बी स्पेसिफिक। हाँ ओके, ये वेरिएंट है। टच स्क्रीन कैसा है? टच स्क्रीन हाँ थोड़ा है लैग इसमें, बाकी तो इतना तो नेगलिजिबल है, बाकी चीजें ठीक है। कोई चीज जो सब अच्छा, इसमें डेड पेडल नहीं है क्या? है, है, थोड़ा सा साइड में ज्यादा है, पर है ना, तो जैसे अगर डेड पेडल पे मान लो आपका फुट अगर रखोगे ना, तो जो आपकी टांग मतलब ये जो साइड वाला पोर्शन ये थोड़ा टच करेगा उसको, तो कंफर्टेबली नहीं रख पाओगे। हाँ, यहाँ से वापस ले लेते, आगे ट्रैफिक है।
अब गाड़ी चला ली, मैंने चीजें बता दी हैं, थोड़ा सा गाड़ी खड़ी करके जो मुझे जो सबसे चीजें अच्छी लगी इसके बारे में वो मैं बताऊंगा। देखो बूट का ऐसा है, इसका रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आता है, ओपन में है, ठीक है, और बहुत स्मूथ है, कोई आवाज नहीं करता उठाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, बूट सफिशिएंट है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, डेप्थ भी ज़्यादा नहीं है गाड़ी इतनी, इस बजट कह रहा हूँ, इस सेगमेंट में जो है ऐसा ही आता है। दो पार्किंग सेंसर हैं, कभी कॉर्नर में ऐसा नहीं लगता कि सेंसर चार होने चाहिए थे कॉर्नर का, होने चाहिए ना कॉर्नर पे, एक बार हुई थी मेरे से बट, अच्छा क्योंकि गाड़ी जैसे टर्निंग पे नहीं रिवर्स करते तो वो नहीं आ पाता। अच्छा वाइपर भी है, डिफॉगर डिमिस्टर भी है, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर है, बाकी और चीज़ मैं बताता हूँ। चलो इंटीरियर के बारे में अच्छी लगी मुझे, ये वाला जो एरिया है ना, ये जो आप यहाँ बैठते हो जब आप पैर अपने रखते हो यहाँ पे, ये वाइड है, तो हाँ जैसे अपने में क्या होता है थोड़ा नज़दीक रखने पड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा वाइड है, लेकिन अनदर जो डिसएडवांटेज है इसकी ये है कि यहाँ पे जो अगर मान लो कोई तीसरा बंदा बैठता है तो उसको एक पैर इधर रखना पड़ेगा, एक पैर इधर मेरे ख्याल से यही सोच के ये जगह ज़्यादा दे दी कि अगर यहाँ कोई और बैठेगा तो दोनों पैर यहाँ रख लेगा, बीच वाले का एक पैर यहाँ आ जाएगा। तो हाँ एसी नहीं है यहाँ पे, फिर भी वो जगह को यूटिलाइज पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, तो यहाँ थोड़ा सा जो है ये हम पे काफी ज्यादा है ना। इसका एसी बहुत बढ़िया है, एसी बढ़िया है, एसी भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, एक 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 पॉइंट पे कर दोगे ना 5 मिनट के अंदर गाड़ी ठंडी हो जाती है। क्या वाच, ये चीज तो अच्छी है। फिर आगे की थोड़ी बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ की बता रहा था, यहाँ अगर बैठोगे ना और मैं जैसे अभी ड्राइव कर रहा था गाड़ी और तुरंत मैं यहाँ बैठता हूँ तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लगती है, मुझे ऐसे लगेगा मेरा कैमरा यहाँ टच कर जाएगा या मैं झटके से अगर निकलूँगा तो मेरा सर टच कर जाएगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब इसको मैं एडजस्ट नहीं कर सकता ऊपर नीचे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है। तो हाइट की तो भाई आप ऐसा मैं कमी तो नहीं बता सकता, आपको छोटी हाइट का है उसके लिए अच्छी चीज़ है कि हाँ हाइट पे बैठा, ऐसा नहीं है स्विफ्ट की तरह कि थोड़ा नीचे बैठ गया, तो जो सीटिंग पोस्चर है वो मुझे टियागो का पसंद है, थोड़ा अच्छा लगता है ऊपर बैठना, बस प्लास्टिक थोड़ा रफ नहीं लगता कई बार, मतलब हाँ वो बात अलग है, बार बार हाथ नहीं फेरते रहना, बस थोड़ा फील करने में थोड़ा सा उतना प्रीमियम, देखो भाई मुझे तो नहीं लगा, बाकी इसका वो क्या है, बटन है, अच्छा कूल्ड नहीं है ना, कूल्ड है, कूल्ड है, कूल्ड है, ओके। और यहाँ पे वो टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह छोटी सी स्लैब है कुछ रखना हो तो। यार मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, आपके सामने कह रहा हूँ, जो ये थोड़ा प्लास्टिक का कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं है, मतलब लाइक अदर कार्स अगर यहीं तक पूरा मेटल का रख के और यहाँ प्लास्टिक थोड़ा सा रखते ना, थोड़ा ज़्यादा प्लास्टिक हो गया, रूफ ब्लैक आती है ना इसमें फैक्ट्री की साइड से, विजिबिलिटी भी सही है यार गाड़ी की, अच्छी लगी मुझे टियागो। और ये जो बंपर गार्ड्स इसमें आते हैं आपने लगवाए हैं कि आते हैं ये लगे हैं, लगे हैं, फ़ायदा लग तो रहा है मुझे, थोड़ी बहुत स्क्रैचेज हैं यहाँ पे, है ना, सही है, ब्लैक थोड़ा ज्यादा पार्ट है देखो, है ना, एक्चुअली ना वो एसयूवी टाइप दिखाने की कोशिश करी है, ब्लैक काफी ज्यादा है, जैसे ये पूरा पोर्शन ब्लैक है, चलो ये तो लगवाए गए हैं, ये ब्लैक है, फिर डोर हैंडल ब्लैक है, और फिर नीचे भी ये गार्निश भी ब्लैक है, और फिर जो आर्च आपकी वो ब्लैक थोड़ा सा ज्यादा है गाड़ी में, हाँ ब्लैक ज़्यादा है। अच्छा जैसे यहाँ से एकदम कैमरा में तो नहीं देख पाओगे, ये जैसे गार्निश यहाँ पे गार्ड लगा है, बम्पर गार्ड, तो यहाँ पे येलो काफ़ी निशान है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो आपको पता है किस चीज़ का है, लेकिन हुआ क्या था, चलो वो बता दो हुआ क्या था शोरूम में जब आपने ये लगवाए थे। हुआ ये था बेसिकली आगे से हुआ था, पीछे से नहीं हुआ था, पीछे से ये क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था वो बता दो। आगे ये हुआ था कि इन्होंने ये जो है प्रोटेक्टर वो इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए थे, तो ये चीज जो होती है खुलने के लिए एकदम बंद हो गए थे। अच्छा तो इन्होंने दोबारा निकाल के फिर लगाए। तो मैं बताता हूँ ये क्या होता है, जब भी डबल साइडेड टेप से कोई चीज लगाते हैं ना, तो उसके पहले प्राइमर एप्लीकेशन होती है, एक लिक्विड हम लगाते हैं ताकि जो डबल साइडेड टेप है वो उतरे ना, तो जो प्राइमर लिक्विड लगाते हैं ना ये उसके निशान है, या तो उन्होंने ये भी आगे पीछे लगाया, पर ये जो है गोलाई ये मान लो देखो तो मैच होने ओके सही फिट कर देना चाहिए था एक बार में, लेकिन ये उस प्राइमर के निशान है जो शायद रबिंग से चले जाएं अपने आप तो कभी नहीं जाएंगे, ये उसके प्राइमर के निशान है, एक लिक्विड लगाते हैं कॉटन से और फिर ये चीज़ चिपकाते हैं, ये उसके निशान है। अरे ये करा हुआ है देखो, इस तरफ भी है, ये इस तरफ भी है, ये प्राइमर के निशान है, क्योंकि वो एक बार लगने के बाद उतरता नहीं है,
बाकी सही गाड़ी। सो थैंक यू सो मच दीपांशु, आप गाड़ी लेकर आए और दीपांशु की गाड़ी का मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। ड्राइविंग से रिलेटेड और कोई गाड़ी हो जिसका आपको जानना है, और या अगर मान लो आपके पास गाड़ी आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है, लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, मुझे कमेंट कर देना, अपनी लोकेशन शेयर कर देना अगर गुड़गांव में हो या आसपास कहीं भी हो, मैं एक बार बता देना, विल फिगर आउट कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट सेक्शन।